कहिए कैसे हैं आप, वजन कम कैसे करें, हाउ टू लूज वेट नेचुरली। अब नेचुरली बात सुन के आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि नेचुरली वजन नेचुरली भी कम किया जा सकता है, मतलब ऐसा क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा, आप हैरान हो रहे होंगे। तो हाँ, नेचुरली भी हम अपना वजन कम कर सकते हैं और ये सेफ भी है और ये हेल्दी भी है और इसमें एफर्ट्स भी कम लगते हैं। देखिए मैं बताती हूँ आपको, एक मेरी नोन है, उनका मतलब एकदम से हुआ कि उनको वजन कम करना है, मेरा वजन बहुत बढ़ रहा है। हालांकि ऐसा कुछ देखने में नहीं लग रहा था, बस क्योंकि उनके कुछ एक फ्रेंड सर्कल है उन्होंने किया तो उनको भी हो गया कि मैंने भी वजन हर हालत में कम करना है, और उन्होंने बिल्कुल क्रैश डाइटिंग की, बिल्कुल खाना पीना बंद, कि बस वजन कम करना है, वजन कम करना है। और क्या हुआ, देखिए वजन तो कम हुआ थोड़े टाइम के लिए, उनका वजन तो कम हो गया, पर उससे क्या हुआ, एक तो उनके चेहरे का ग्लो चला गया और जो वीकनेस आ गई ना, मतलब और जो माइनस पॉइंट्स खड़े हो गए उनकी बॉडी के लिए, उसकी भरपाई वो अभी तक कर रही है। तो वही मैं कह रही हूँ कि जो हम नेचुरली वेट लॉस करते हैं ना, हम वो होता है एकदम सेफ भी होता है और हेल्दी भी होता है और इसमें एफर्ट्स भी कम लगते हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि किस तरह से किया जा सकता है। देखिए सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि ये सब एक ही दिन में नहीं होगा, एकदम से नहीं होगा, समय लगता है, धीरे धीरे होगा पर जरूर होगा, मतलब मन को इस वे से पक्का करना है। और जो अपने गोल्स है ना वो बिल्कुल रियलिस्टिक रखना है, ये नहीं है कि एक महीने में मैंने 10 किलो करना है कम, मतलब करना ही करना है। हम बेबी स्टेप्स लेके चलें कि एक वीक मैंने इस तरह से करना है, नेक्स्ट वीक इस तरह से करना है, नेक्स्ट वीक उससे नेक्स्ट वीक इस तरह से करना है, मतलब इस तरह से लेके चलें। और सबसे बड़ी बात जो इसमें ये होती है, लगातार करते रहें। हम क्या करते हैं, हमने जैसे 4-5 दिन ट्राई किया, वेट कम नहीं हो रहा, चलो छोड़ो, तो ऐसा नहीं है, लगातार प्रयास करना पड़ेगा, लगातार स्टिक रहना पड़ेगा, तब बात बनेगी। तो हमें अपने मन को पक्का करना पड़ेगा कि ये एकदम से नहीं होता। एक्चुअली ये किस लिए ज़रूरी है, अब मैं आती हूँ दूसरे पॉइंट पे, क्योंकि हमें टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, मतलब कम नहीं हो रहा, देखो हमने इतनी मेहनत की, कम नहीं हो रहा, कम नहीं हो रहा। तो इस चीज़ को मान के चलिए कि हाँ टाइम लगेगा, पर मैं करूँगी और मैं लगातार करूँगी, क्योंकि जो टेंशन है ना वो भी, जो हम वेट गेन की बात करते हैं ना कि वेट बढ़ रहा है क्या करें क्या करें, ये भी स्ट्रेस में दुश्मन होता है उसका। स्ट्रेस की वजह से भी हम ये सोचते हैं कि वेट कम हो जाता है, वेट कम नहीं होता, उल्टा तबीयत और ख़राब होती है। इसलिए स्ट्रेस नहीं लें और नींद अच्छी लें। देखिए ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, एक तो स्ट्रेस नहीं लेना और नींद बहुत अच्छी लेनी है। फिर बात आती है कि तन जितना घूमता रहेगा उतना स्वस्थ रहेगा। ऐसे पूरी तो लाइन ये है कि तन जितना घूमता रहेगा उतना स्वस्थ रहेगा, मन जितना शांत रहेगा उतना स्वस्थ रहेगा, पर मैं अब बात कर रही हूँ तन की, हमारे शरीर की, उसको घुमाइए, मतलब जितना हो सकता है आप चलिए चलिए। हमारा जो है ना आजकल का लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया, मतलब बैठे रहने का ही काम हो गया ना, हर समय बैठे रहो बैठे रहो। अच्छा बैठ के भी जैसे मदर लोग हैं वो क्या करेंगी, अपने बच्चों को बताएंगी पानी ले आना जरा जरा, चपाती ले आना जरा, जैसे हस्बैंड है वो ऑफिस से आएंगे भाई पानी ले आओ, बैठ गए तो बस बैठ गए, फिर उठना नहीं है, टीवी देख रहे हैं, मम्मी ये दे दो मम्मी वो दे दो, मतलब बैठ के ही ऑर्डर चलाए जा रहे हैं, खड़े होके तो आदत ही नहीं रही हमारी। तो जितना कोशिश हो सके मतलब चलना चाहिए, चलना चाहिए, बहुत फर्क पड़ता है और बहुत अच्छा भी रहता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। और जैसे मान लो फोन आता है, फोन पे आप बात कर रहे हैं 20-20, 25-25, कई बार तो आधा आधा घंटा भी हो जाता है, बैठ के बतियाए जा रहे हैं तो क्यों नहीं चलते हुए बात करते, मोबाइल है ना, चलते रहो बात करते रहो, एक्सरसाइज भी हो जाएगी और बात की बात भी हो जाएगी। फिर जैसे हम घर में रहते हैं तो हमने कहीं जाना है तो हम लिफ्ट का सहारा जैसे लिया, हमने किसी और बिल्डिंग में जाना है तो वहाँ पर लिफ्ट है, तो स्टेयर के सीढ़ियाँ बहुत अच्छी रहती हैं सेहत के लिए। कोशिश यही करनी चाहिए कि हम चलते रहें, जैसे मार्केट भी जाना है तो बजाय कि हम ये जैसे गाड़ी निकाली, चलो गाड़ी में गए और दुकान के आगे गाड़ी रोक दी, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे मेट्रो हो गया, जैसे बस हो गया, मतलब जानबूझ के ले, ताकि चलना हो। हम अवॉइड करते हैं चलना, बस कोई ना कोई बहाना मिल जाए। अच्छा जैसे मान लो हमारे पास गाड़ी भी है तो बिल्कुल ऑफिस के बिल्कुल आगे जाके रुकेंगे, वहीं से उतरेंगे और सीधा ऑफिस, ऑफिस की चेयर पे बैठ जाएंगे, फिर जब ऑफिस ख़त्म होगा फिर वापस गाड़ी में बैठे और घर वापस। तो गाड़ी भी अगर पार्किंग में खड़ी करनी है थोड़ी सी ऐसी दूर करें कि थोड़ा सा चलना पड़े। फिर इसमें एक बात और आती है कि जो हमारा फ्रेंड सर्कल है ना वो भी पॉजिटिव हो,
पॉजिटिव कैसे है कि वो भी मतलब घूमने फिरने में विश्वास रखता है, वो बैठे रहने में विश्वास नहीं रखता। क्योंकि अगर हमारी कंपनी ऐसी होगी कि जैसे मान लीजिए मेरी एक फ्रेंड है, वो पूरा ग्रुप है उनका 7-8 लेडीज़ का, और वो सुबह वॉक पे जाते हैं, मेरी कंपनी वो है मतलब मेरे वो फ्रेंड सर्कल में है, तो मेरे को भी होगा कि मेरे को भी जाना चाहिए, मैं भी जाऊँगी। और फ्रेंड सर्कल है, वो सुबह लेट उठते हैं, रात को लेट सोते हैं, तो मेरा भी माइंड सेट वैसे ही हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पॉजिटिव लोगों की कंपनी हो। फिर बात आती है हमारी ईटिंग हैबिट्स। ईटिंग हैबिट्स तो देखिए सब कुछ ही इसी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब हमने बेस्ट देखिए क्या है कि हमने ना एक प्लान बना लिया, डाइट प्लान बना लिया, हमने ये खाना है, हमने इसे समय खाना है, इसके अलावा हमने खाना ही नहीं है, और हमने जब भी खाना है बैलेंस डाइट खानी है। देखिए कभी कभी मतलब जैसे वीक में एक बार चीट डे कर लिया, चीटिंग कर ली, चलो खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, वो अलग बात है, पर हर रोज़ ही ऐसे करेंगे फिर कैसे बात बनेगी। और हमें ना कोशिश ये करनी चाहिए कि रिफाइंड ग्रेन्स को अवॉइड करना चाहिए, और जो होल ग्रेन है वो ज़्यादा लेने चाहिए। रिफाइंड में क्या होता है कि जब रिफाइंड हो जाते हैं ना, जैसे होल ग्रेन रिफाइंड हो गया, तो उनकी पौष्टिकता ख़त्म हो जाती है, तो उसको हम खाएं ना खाएं एक बराबर है। इसलिए जैसे रिफाइंड में आ गया मैदा हो गया, ब्रेड हो गई, और होल ग्रेन में हो गए ओट्स हो गए। देखिए ओट्स की भी कितनी सारी चीज़ें बन सकती हैं। मतलब हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिसमें भरपूर फाइबर हो, विटामिन हो, कैल्शियम हो, जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छे रहे। फिर जैसे स्प्राउटेड हो गई, स्प्राउटेड दालें हो गई, और जैसे अगर हम पानी की भी बात करें ना, पानी तो बॉडी में अच्छी मात्रा में जाना चाहिए। बहुत बार जैसे आप खुद भी देखिए कि आपने आज या कल पूरे दिन में कितनी ग्लास पानी पिया। पानी को तो हम ज़्यादा अहमियत देते नहीं है, मतलब होता ही है, बस ज़्यादा पानी नहीं पीते, जबकि पानी हमारे बॉडी के लिए बहुत बहुत ही फायदेमंद है। अलग अलग तरीके से ले सकते हैं, जैसे कि हल्का गर्म पानी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं। पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो शुगर कोटेड ड्रिंक्स आती है ना, कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, ये अवॉइड करनी चाहिए। बल्कि ये तो किचन में भी नहीं रखनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि जैसे हम किचन में, हम घर पे काम कर रहे हैं, किचन में गए तो चलो बॉटल रखी है, चलो इसकी तो गैस ही निकल जाएगी, चलो इसको पी लेते हैं, मतलब टेम्पटेशन हो जाती है ना कि चलो इसको पी लेते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि घर पे रखे ही ना, मतलब जैसे चिप्स हो गए, जैसे किचन में गए तो चलो एक दो चिप्स में क्या फर्क पड़ रहा है, खा लेते हैं, रखे ही ना। रखे नहीं होंगे तो फिर कैसे हमारा मन ललचाएगा, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, वही बात हो जाएगी। इसलिए कोशिश ये करनी है कि ये चीज़ें हमारी किचन एकदम ना बिल्कुल बढ़िया सी हो, मतलब ये चीज़ें रखी ना हो। और बाहर का खाना भी हमें एक तरह से अवॉइड करना चाहिए। बाहर ज़्यादा खाएंगे उनमें देखिए आपको पता ही है, घी भी होता है, तेल होता है, मिर्च मसाले होते हैं, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। मतलब उनमें ज़्यादा शुद्धता भी नहीं रहती, जितना हम घर पर अपने हाथों से, साफ हाथों से बनाते हैं, एकदम ताज़ा बनाते हैं, इतनी स्वच्छता वहाँ नहीं रहती। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि घर पर बना खाना ही खाएं। और घर पर ये नहीं है कि चलो आज समोसे का मन करा तो घर पर समोसे बना लिए, मतलब फ्राइड तो अवॉइड ही करना चाहिए। एक गलती जो हम अक्सर करते हैं, हम बिना भूखे खा लेते हैं, बहुत बार होता है। जैसे कि मान लीजिए हस्बैंड ऑफिस से आए तो टिफ़िन जो सुबह दिया था उसमें खाना बचा हुआ है तो वो खाना खा लिया, उस समय हमें भूख नहीं लग रही, पर खाना वेस्ट ना जाए इसलिए वो खा लिया। ऐसे जैसे बच्चे स्कूल से आए तो उनके टिफ़िन में कुछ ना कुछ बचा हुआ है वो खा लिया, उस समय भूख नहीं लग रही पर वो खा लिया। ये चीज़ हमें जैसे वही चीज़ हो गई ना कि बिना भूख के खा रहे हैं हम, तो इस चीज़ पर हमें ध्यान देना है कि जब भूख ना हो तो नहीं खाएं। हाँ, निकाल के रख लें उसको, एकदम से तो ख़राब होगा नहीं। आपने जैसे वो लंच नहीं खाया उन्होंने, तो डिनर तक तो हम खा ही सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि बिना भूख के नहीं खाना और एकदम से ठूस ठूस के नहीं खाना। मतलब अगर हम एक चपाती खाएं, सिर्फ एक चपाती, और वो बिल्कुल आराम से चबा चबा के धीरे धीरे, तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। हम क्या करते हैं, जैसे टीवी देख रहे हैं, कोई सीरियल आ रहा है, हॉरर सीरियल आ रहा है, तो फटाफट फटाफट खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। अच्छा, डोंगा सब्जी का वही रखा है, देख टीवी की तरफ रहे हैं, डाल फटाफट रहे हैं, फटाफट रहे हैं, फटाफट खाए जा रहे हैं। अब क्या होगा, कोई सस्पेंस वाली कोई थ्रिलर मूवी आ रही है या कोई ऐसा सीरियल आ रहा है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। तो ये भी अवॉइड करें कि टीवी देखते हुए नहीं खाएं, मतलब अपने में रह के खाएं, मोबाइल पर बात कर रहे हैं, कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, खाना खाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं। मतलब जब खाना खा रहे हैं तो खाना खा रहे हैं, पूरा ध्यान खाने पे होना चाहिए।
देखिए हमें करना क्या है, हमें ना खाने को बंद नहीं करना कि हमने कोई चीज है वो बंद कर दी, आलू बंद कर दिए, चावल बंद कर दिए, ऐसे बंद नहीं करना। हमें कम करना है, कम करना है, सिर्फ 10 या 20% कम करना है। जैसे मान लीजिए मैं बहुत सिंपल सा चाय का एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मान लो मैं हूँ और मैं दिन में 4 बार चाय पीती हूँ, तो मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ कि मैं दिन में 4 बार की जगह 3 बार चाय रखूँ, या फिर जब मैं चाय ले रही हूँ तो चीनी, जैसे चीनी तो फिर मैं 1-1 चम्मच ले रही हूँ तो मैं चीनी आधा आधा चम्मच कर दूँ, या मैं एक बार एक चाय को स्किप कर दूं, मतलब हमने उसकी क्वांटिटी कम करनी है। अब जैसे किचन में देखिए, बहुत वीडियोस में मैंने बताया भी है, 5 चीज़ें वाइट किचन में ऐसी होती हैं जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए। कैसे, जैसे कि नमक, नमक हुआ, मैदा हुआ, फिर चीनी हुआ, दूध हुआ, चावल हुआ, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप ये सोचोगे कि इनको अवॉइड कैसे कर सकते हैं। वैसे इस बारे में ना मैंने बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं नीचे दे रही हूँ। पर कहने का मतलब ये है कि जो हम जैसे नमक ले रहे हैं तो हम उसको सेंधा नमक कर सकते हैं, दूध ले रहे हैं हम उसको डबल टोन मिल्क कर सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमें फुल क्रीम खाना है, डबल टोन ले सकते हैं। मैदा तो देखिए सेहत के लिए नुकसानदायक ही होता है, इसलिए मैदे को मतलब कम से कम लेना चाहिए। ये जब लगे कि बहुत ज्यादा मन कर रहा है तब तो बात अलग है, इसको अवॉइड ही करना चाहिए। अच्छा, जैसे चावल हो गए, चावल हम जैसे ब्राउन राइस हमें अच्छा नहीं लगता, टेस्टी नहीं लगता, वाइट राइस हम खाना चाहते हैं पर वो बंद हो गया, तो बंद नहीं करें, चावलों को उबाल के खाएं, जैसे अच्छा खासा उसमें पानी डाल के जब चावल तैयार हो जाए फिर उसका पानी गिरा दें, छान लें उसको और चावल खा लें, बहुत टेस्टी लगते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे आलू भी है तो आलू भी कोशिश करें कि जब भी सब्जी बनाएं वो उबले हुए आलू, मतलब आलूओं को उबाल के फिर सब्जी बनाएं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम जिनको मतलब 10-20% तक हम कट कर सकते हैं और अपने लाइफस्टाइल में बदलाव ला सकते हैं। फिर एक चीज़ और भी कर सकते हैं, जैसे वीकेंड होता है, वीकेंड पे हमारा कंप्लीट रेस्ट होता है कि बस सैटरडे को आए घर पे आए और बस मंडे को ही उठ के गए, सैटरडे हो गया पूरा, संडे हो गया पूरा, बस लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, थक गए। तो कुछ ऐसा प्लान करना चाहिए कि हम पिकनिक पे जाएं, मतलब हमारा एंटरटेनमेंट भी हो जाए प्लस फिजिकल एक्टिविटी भी, तो भी बहुत फ़र्क पड़ता है। मतलब जैसे घूमने फिरने का हुआ, ट्रैकिंग का हुआ, मतलब कुछ ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे चलना पड़े, बच्चों को पार्क में लेके जा रहे हैं, म्यूजियम में लेके जा रहे हैं, जहाँ पे बहुत चलना पड़ता है, तो अच्छी बात है, मतलब घूमना फिरना भी हो गया, बच्चे भी खुश हो गए, परिवार खुश हो गया और हमारी एक्सरसाइज हो गई, वो अलग। और हमें करना क्या है, जैसे जब हमने डाइट प्लान बनाया है तो हमें एक ट्रैक भी रखना है उसके ऊपर कि हम कितना कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, मतलब एक वीक में कितना फर्क पड़ा। जैसे हमने वेइंग स्केल रखा हुआ है उस पर देख देख के कि हाँ भाई हमने इस तरह से किया, बिल्कुल नेचुरल वे में किया, कोई जोर जबरदस्ती नहीं की शरीर के साथ, एकदम आराम आराम से किया पर किया। अच्छा, फिर ये भी लग रहा हो अगर आपको कि सब कुछ करके देख लिया और इस चीज़ में टाइम भी बहुत हो गया, जैसे 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, वजन बिल्कुल कम नहीं हो रहा, बढ़े चले जा रहा है, या कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वजन कम हुए जा रहा है, मतलब दोनों ही सिचुएशंस हो गई ना। जैसे लेडीज हैं उनमें हार्मोनल चेंजेस जैसे आते हैं बॉडी में तो भी कई बार थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है वेट का। और एक चीज और भी है कि जैसे कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे मान लीजिए थायराइड है, एक थायराइड ऐसा होता है जिसमें वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, एक थायराइड ऐसा होता है जिसमें वजन कम होना शुरू हो जाता है, तो एक बार डॉक्टर से दिखा के, और ये सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं दवाइयों के थ्रू, सब ठीक हो जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा टेंशन बनाने की जरूरत नहीं है, इसको ठीक किया जा सकता है। तो ये तो थी कुछ बातें। वैसे हमारा फोकस ना हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, मतलब बजाय ये कि हमें वजन कम करना है, फोकस हमारा वजन कम करने पे हो, हेल्दी लाइफस्टाइल पे हो, क्योंकि अगर हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी होगा ना फिर वजन तो अपने आप ही कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम कॉन्शियस हो जाएंगे ना। वैसे आप बताइए आप क्या सोचते हैं इसी बारे में कि हाँ भाई नेचुरली वजन कम किया जा सकता है कि नहीं, या आपने कभी करा तो किस तरह से किया, या आप क्या सोचते हैं, आप इसके फेवर में हैं या नहीं, जरूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद, नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकता है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।